रूसी युद्ध की वजह से यूक्रेन में 500 बच्चों ने जान गंवाई। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रविवार को एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्चों की मौत की सटीक संख्या बता पाना मुश्किल है। यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा है, ऐसे में उन इलाकों में मारे गए बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह भविष्य पर बात नहीं करते और पीछे देखकर कार चलाते हैं। राहुल ने जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बात कही। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अटला कोटी के पास हिमखंड टूटने से अमृतसर के 6 तीर्थयात्री बर्फ में दब गए। इनमें से 5 को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक महिला भी लापता है। ग्लेशियर टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन और SDRF टीमें रेस्क्यू करने में जुट गई। ओडिशा ट्रेन हादसे के लगभग 51 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक की बहाली का काम रविवार शाम को पूरा कर लिया गया। इसके बाद ट्रैक से ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। सोमवार सुबह इंदौर में धूप खिली और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। बादलों के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। लोगों के मर्ज का उपचार करने वाला स्वास्थ्य विभाग CMHO ऑफिस का दफ्तर ही बदहाली में बीमार पड़ा है। यहां छत पर मकड़ियों ने जाले बना लिए हैं, साथ ही कार्यालय परिसर में कचरा गंदगी फैली पड़ी है। स्वच्छता में 6 वर्षों से नंबर 1 शहर के CMHO ऑफिस में सफाई का अभाव है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब की अपने कदम बढ़ाते हुए रविवार को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ 14 जून से 18 जून तक होने वाले एक मैच टेस्ट मैच के लिए लिटन दास को बांग्लादेशी टीम का टेस्ट कप्तान बना दिया है। बांग्लादेश के नियमित टेस्ट कप्तान शाकिब अल हसन चोटिल है, जिसकी वजह से लिटन दास को बांग्लादेश की टेस्ट कप्तानी सौंपी गई है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के 50 साल पूरे होने पर दुनिया भर के फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर कपल के दोनों बच्चे श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन ने भी कुछ अनदेखी तस्वीरों के साथ स्पेशल मैसेज शेयर किया है, जिस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। श्री 420, नागिन और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी फिल्मों की मशहूर अदाकारा सुलोचना लाडकर का देहांत हो गया है। उन्होंने 4 जून को मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली।